मम्मी और डिंपू गर्मी की धूप में छांव का आनंद लेते हुए, ये नारंगी का पेड़ है इसके नीचे मम्मी और डिंपू बैठे हुए हैं। आहा डिंपू, तो गाइज गेहूं की दूसरी किस्त किट में जा रही है। कम से कम 3-4 घाम तपा के जो भी इसमें मॉइस्चर है दोस्तों वो सब खत्म कर दिया, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा चुनौती होती है हमारे पहाड़ों में ऐसे अनाज को घाम में तपा तपू के अंदर रखना, स्टोर करना, क्योंकि बांदर अलग से होते हैं, गुण अलग से होते हैं, कभी बारिश का मौसम हो जाता है तो इसलिए बड़ी दिक्कत आ जाती है। इसको बोलते हैं किट, ठीक है। एक किट होता है दोस्तों, एक कुथाव होता है। किट और कुथाव में थोड़ा सा अंतर होता है। किट ऐसे होता है और कुथाव में एक दिन दिखाऊंगा आपको, थोड़ा फैला फैला सा होता है। सो गाइस पहाड़ी बाकली के श्री हरिकोटा केंद्र पे सुमित का शक्ति परीक्षण हो रहा है। ये है 50 किलो का किट्टा गेहूं का और सुमित पहले ही हार मान लेंगे, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था। है पीड़ है तो क्या काउंटिंग शुरू करें। सुमित क्या आप समर्थ हैं इसको ले जाने में? नहीं है, क्यों? और दोस्तों अभी अभी एक नई अपडेट आ रही है सुमित को लेके कि सुमित ने अपने कमर में इंजुरी बताई है जिसकी वजह से हमें ये शक्ति परीक्षण टालना पड़ेगा। सुमित नाम की मिसाइल फ्यूज हो चुकी है तो अब पवन नाम के ब्रह्मास्त्र को ही यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो सारी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ क्योंकि हम लॉन्चिंग को टाल नहीं सकते दोस्तों। लाखों करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट है और हमने इस पे काफी मेहनत की है, 6 महीने से हम इसमें लगे हुए हैं। तो आज ये सुखा तपा के मिसाइल रखी है तो इसको अच्छे से हमें लॉन्च पैड पे पहुंचा के इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों सुमित विनोद जी मेरी हेल्प करेंगे, विनोद जी पावर बूस्टर का काम करेंगे, ये थ्रस्ट देंगे मिसाइल को और ये उठाएंगे और मैं अपने कंधे में रख के इसको ले जाऊंगा, ठीक है। जब पहली जो मिसाइल बनी थी ना तो वो क्या कहते हैं इसरो ने बैलगाड़ी में लेके गए थे उसको, जो सैटेलाइट छोड़नी थी, ठीक है। तो हम आज कंधे में रख के ले जाएंगे, ठीक है, फिर से वही वाले दिन रिवाइव करेंगे। ओहो रेडियो पर यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो चुकी है। नासा का रॉकेट ऑर्बिट पे स्थापित कर दिया है दोस्तों। गाइज हमने गेहूं सुखा तपा के अंदर रख दिए हैं, अब ये थोड़े जमात हैं, इनमें फटाव लगा रहे हैं, फिर इसको भी हम पैक करके अंदर रख देंगे। मिशन सक्सेसफुल। दादा माने नहीं, दादा ने बोला कि चल थोड़ा सा ऊपर चलेगा, आजकल ऊपर को आता भी नहीं है, तो मेरे को दादा का कहना मानना था। तो अभी विनोद जी और पवन जी दोनों मालकुड़ जा रहे हैं और वहीं जाके फसक फराव लगाएंगे, क्यों विनोद जी? ये कंपोस्ट का गड्ढा है, ये सरकारी योजना के तहत आ रहा था, इसमें कितने रुपए मिले थे? 4-5 हजार रुपए मिले। तो विनोद जी ने इसमें खुद पत्थर वत्थर सार के रोड़ी ओड़ी फोड़ के खुद निर्माण किया है इसका, बट लेकिन पैसे इनके अकाउंट में नहीं आए, पैसे आए पिताजी के अकाउंट में, ऐसा ठहरा था। इतना पितृ भक्त बालक है, इसने खुद पैसे नहीं लिए, अब इसमें भी लगेंगे माल्टा कुछ दिन। ए आ गया फल यार, ये देख, ये देखो दोस्तों माल्टा के पेड़ में फल आ गया है, जड़जा लोगों के, ये होता है सत। ये देखो दोस्तों माल्टा का फल आ गया है, जड़जा का हर काम अपने आप में परफेक्ट होता है दोस्तों। तो मैं उस दिन आपको भिंडी के पेड़ दिखाए थे, उस दिन तो खाली बोया था, आज देखो भिंडी के इतने अच्छे अच्छे पेड़ जम गए हैं। जड़जा कल बोली थी कि नजर मत लगा हमारे भिंडी के पेड़ पे, नींबू में भी फल आ चुका है।
जेठजा घाम में बाहर निकल चुकी है। ठीक ठाक जी। और दोस्तों ये वही विलोज है जो परसों प्रेम बंधन में बंधा हुआ था। कावगुर वहाँ गोठ में बंधा हुआ है। मालकिन ये घूम रही है, मालकिन ऐसे घूम रही है। मालकिन को कोई टेंशन नहीं रहती है यार, है ना जी? क्या टेंशन रूम, टेंशन फ्री है हम। हाँ, ऐसा क्या होगा फिर तुम में इतना वरदान क्या होगा जो टेंशन ही नहीं होती है? टेंशन क्यों होती है फिर, अपना परिवार स्वस्थ है, मस्त है। हाँ। सब ठीक ठाक है तो क्या बात की टेंशन। हाँ, किसी की टेंशन नहीं है ना, टेंशन नहीं, स्वस्थ रहो मस्त रहो। दोस्तों हम भैयू की आपको नजर फ्लैश लाइट से दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, सुमित क्या कर रहे हैं? बॉर्डिंग की हो रहा हूँ। यही मिला देखो जगह, नीचे भी नहीं सोया, ऐसे लेट रहा है। अभी आया है ये दोस्तों, यहाँ पे सोया हुआ है भैयू। चलो हम इसको उड़ा देते हैं। और ताई जी का यहाँ खाना बन रहा है और ताई जी यहाँ पे सो चुकी है दोस्तों। ये ताई जी की खाट है दोस्तों। दिन में जब यहाँ पे इतना चढ़ाक करके घाम पड़ा रहता है तो ताई जी यहीं पे सोती है ताकि गुण बांधुर का भी पहर हो जाए और ताई जी का आराम भी हो जाए। ताई जी का जो एक कान होता है दोस्तों वो इधर ही को लगा रहता है हमेशा, कोई भी आवाज खटर बटर होती है। ताऊ जी, ताई जी चारपाई के बारे में आपने यहाँ पे कब से सोना शुरू किया? ये चारपाई ताई जी ने दहेज की है। हाँ हाँ, तो मेरे को इसी में आराम मिलता है। तो ये मणि नीनू है। हाँ। अच्छा, क्योंकि ये मायके का है ना। हाँ। मायके का दिया हुआ बहुत चीज प्यारा लगता है, लगता है। पैसा भी हो, चाहे पैसा हो या कोई दहेज का सामान हो या कोई धोती साड़ी हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई रिश्तेदार हो, अब मैं तो कुकुर लाल हूँ। हाँ, ये तो है। तो तुम्हारे का प्यारा ही लगता है जो तुम्हारे फिर यहाँ ताऊजील जो आप नौकरी में लाग भी जो चारपाई बना उमा नहीं है ने? उमा उन्हें है लेकिन वो सजन। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आनंद। हाँ हाँ हाँ, तो कितने रुपए की ली होगी उसमें? ये ढाई तीन सौ रुपए की होगी। तो ताई जी ने ये देखे आप दोस्तों, ये तब से संभाल के रखी हुई है ये चारपाई और आज ताई जी उसमें लेट के बिल्कुल इस सिराहाने की शोभा बढ़ा रही हैं। और विनोद जी उनके सिराहाने पर हैं, शायद मालिश करेंगे अभी थोड़ी देर में है। विनोद जी तो काफी सर्वगुण संपन्न बालक हैं, अपनी ईजा से बहुत प्यार करते हैं और ईजा की तरह लगते ही हैं। विनोद जी अपनी ईजा बारे में दो शब्द। तारीफ के शब्द कुछ, आपको अपनी ईजा कैसी लगती है? ठीक लगती है। अच्छा, है क्या पढ़ रखा है क्यों वहाँ? अगर ताई जी की उसमें किस्मत अच्छी होती ना ताई जी, तुम आंगनबाड़ी में होते हो? तुम्हें कोशिश क्या कर पे किस्मत में लिखी अलायरोट खानो ली अलायरोट वाला यहाँ लो है तो मैं रू। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बढ़िया है तुम्हें भुगतान बहुत भुगती बोया आप के नहीं चलो ब्याह करो लिया चलो ब्याह कहाँ ठहरिया थे चलो ब्याह में। आप ये यूट्यूब पे कदू कमेंट उड़ान दे, विनोद जी इतने स्मार्ट हैं, इतने सुंदर हैं, कितने क्यूट हैं विनोद जी। जो ऐसे कमेंट करते हैं विनोद जी, उनको क्या आप कहना चाहोगे? उनसे ये कहना चाहूंगा यार कि कौन मैंने खेला हूँ तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद के पात्र हैं वे लोग जिन्होंने मेरे को देखा, बच्चों को देखा, बच्चों की तारीफ की। हाँ। की तारीफ हम भी करते हैं। हाँ। उनको शेयर करते हैं। हाँ। तो दोस्तों जो जो कमेंट करते हैं वो ताई जी उनको शेयर करती है, उनकी तारीफ करती है। मेरे पास ऐसा फोन नहीं है। हाँ। अभी का बात देखती हूँ मैं। हाँ। मैं दिखा भी देखूँ। अच्छा ना विनोद दिखूँ रहा तुम्हें है ना विनोद भैया ठीक है यार उसी है कब तला नो उन पा और क्या 36-37 साल की फिर कदू 29 साबा यार ना सोनू लाग भी खत्म हो गया 29 वाला लगा होगा अभी इसको 29 फरवरी से 29 वाला ना जिसने बन्नी को सजाया तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने बन्नी को सजाया ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इसमें गहर, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया।
अगर ताई जी ताऊ जी के लिए कोई एक गाना गाने को कहे आपसे, कोई गाना नहीं क्यों बोला के ना हो कोई मान लो ऐसा कोई कोई कंपटीशन हो, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसमें मेरे दिल में वाल गाना दियो, कोई मेरे कोई भी। अब मान लो अगर कोई कहीं गए हो तुम किसी समारोह में, या मान लियो बुआ दिन विनोदा भी आएगी जय माला में कह दे आप वो आदि मान लीजिए एक गाना सुना दियो, कि सुना ला क्या देखता है बन्ना तिरछी नजर से आ प्यारी बन्नी मंडप के नीचे क्या देखता है बन्ना तिरछी देखना हो तो मकटों पहन लो, देखना हो तो मकटों पहन लो फिर देखना बना ऊंची से फिर देखना बना ऊंची नजर बेचारे तय जाओ ने लम्बी कर मिला करो तुम्हारा डांस आओ दिल्ली लेता विनोद तुम्हारे डांस थोड़ा कर पार्टी डांस बोलते हैं इसको, इसमें ऐसे भर रैक वाला नहीं होता, खाली सिंपल होता है। चल जो मैं कौन भी ले रहा है तुम उनका कौन है साहब है ना? हाँ साहब वाला। ओ करम खुदाया है कौ करम खुदाया है खुदा है नहीं खुदा है ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है कौ तेरा प्यार जो पाया है तुझसे मिलके ही तो ये बंधन है ये गाया तूने ये ताऊ जी के लिए आप आया फेस्ट में ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है फिर चंदा कब दूर किरण से खुशबू कब दूर पवन से कब दूर बाहर की ये बंधन तो तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको ताऊ जी के संग्रहालय में ले जाता हूं और उनसे जुड़ी हुई एक और चीज आपको दिखाता हूं, आप बस बने रहे पवन पहाड़ी व्लॉग्स में। तो ये देखिए आप, ये है ताऊ जी का फीता दोस्तों, ये उन्होंने कभी अपने कमर ना बना आपते हाँ कभी दोस्तों, क्योंकि ताऊ जी बिल्कुल फिटनेस फ्रीक हैं। तो ताऊ जी ने इसको कहाँ से आयात किया था विनोदी? ये लाए थे श्रीनगर से। हाँ श्रीनगर से ये फीता खरीदा था ताऊ जी ने, क्योंकि काफी फिटनेस फ्रीक हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो मिनट मिनट में अपनी कमर चेक करते रहते हैं और अपने बाइसेप्स मेजरमेंट करते रहते हैं उसका कि कितना इंच हो गया, कितने सेंटीमीटर बढ़ गए घट गए, ठीक है। तो मैं रोज डेली वर्क है, हाँ घटता बढ़ता है रोज, एक दिन वाला है उनका हिसाब, ठीक। हाँ ताई जी बोली कि हटकर बैठा एक चार दिन घटता बढ़ता वाला है उनका हिसाब, तो वही घटता बढ़ता नापने के लिए ताऊ जी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ताई जी से ही पूछ लेते हैं, ताई जी अच्छा ताऊ जी एल की चेक करनी कि ना पड़ी? तो दोस्तों अभी ताऊ जी इसकी जो यहाँ पे जो मुन है ना वो हान जैसी मुन हो गई थी एक बार, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए योगासन कर रहे हैं, तो वो मेजरमेंट कर रहे हैं, कभी कमर चेक करते हैं, कभी बाइसेप्स ट्राइसेप्स चेक करते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि जो ताऊ जी की कमर है वो कितने सेंटीमीटर की होगी, और जो सही जवाब देगा उसको ऐसे ही एक इंच टेप, ऐसी ही एक फीता इनाम में दिया जाएगा। क्यों ताई जी? गिफ्ट दिया जाएगा। तो बता दो ताऊ जी की कमर कितनी होगी और ताई जी की कमर कितनी होगी?